हाय दोस्तार, केम छो? हेलो मित्रों, तो अब ये शुरू हो चुका है, ठीक है? मैं हूँ राजू जोहर और मैं ढूंढ रहा हूँ एक तोड़फोड़ एड फिल्म मेकर, समझे भाई? आज मेरे पास ना दो टीम आई है, तो अपना अपना सैंपल लेके आई है, तो शुरू करते सर हैं। सब सबसे पहले मेरा हाँ क्या है कि हम दोनों हैं ड्रीमर्स अनलिमिटेड। हम कहानी नहीं, उम्मीद बेचते हैं। अल्ले ले हमारी क्रिएटिविटी में ना एक अलग ही वजन है कि नहीं? ओ नहीं है सिट लगता है? नहीं, वजन है भाई, वो धीरे धीरे लगेगा जब घुटने पे आएगा। ए भाई, क्रिएटिविटी जो है ना उसमें वजन डालना, लेकिन इनवॉइस हल्का रखना भाई। अरे सर, बजट की फिक्र मत कीजिए, आज तक कभी क्लाइंट ने ज्यादा दिया है जो अब देगा। एसिडिटी वाली लाइन बोल दी बहन तुमने तो। ये भी सही है। टीम टू, तुम्हारा पिच किधर है भाई? सर, वी आर रेडी टू चेंज द वर्ल्ड। आप एक बार बस हमें ट्रस्ट कीजिए। ओह यस सर, आई प्रॉमिस, हमारे एड बनाने के बाद आपके प्रोडक्ट्स रॉकेट की तरह उड़ेंगे। ए मड़ी, किधर से उड़ेंगे? मार्केट से उड़ जाएंगे हम सब? नो सर, आई मीन और सक्सेसफुल हो जाएंगे। सर, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। पहले क्या काम किया आप लोगों ने, ये तो बताओ। सर आपको याद है वो चमकू डिटर्जेंट? वो बड़ा हिट हुआ था। वो कुछ ऐसा था, चमकू चमकू नाम सुन के फिनाइल समझा क्या? फिनाइल नहीं, डिटर्जेंट है। मैं धुलेगा नहीं सारा। वो वायरल हुआ था वही ना भाई? ए भाई, ये डिटर्जेंट के ऐड में मेरे को आज तक समझ में नहीं आया था, ये वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल के निकलते हैं, बराबर एडवर्टाइज में दिखाते हैं, वो उसके बाद ना वो इस्त्री करके कैसे आते हैं भाई? किसी को पता है तो बताना बाद में मेरे को। है अरे सर, जैसा हमने कहा ना, हम उम्मीद बेचते हैं, फैक्ट्स नहीं। ओह समझा। और टीम टू, भाई तुम लोग कुछ बोलो। सर, वी आर द मेकर्स ऑफ दैट फेमस एड जिसमें वो टॉयलेट क्लीनर लेके बंदा टॉयलेट में आता है आपका। अरे रे रे, उस टॉयलेट, वो लोग तुम थे? वो आदमी मेरे घर पे भी आया था, बोला कि बताइए आपका टॉयलेट किधर है। मैं टॉयलेट के अंदर बैठा था, मैं कैसे टॉयलेट बताऊं? वो क्या, अगली शाम को छोले खा लिए थे ना एक पंजाबी के घर पे, तो थोड़ा। हम आपको ना एक सैंपल नरेट करते हैं। हाँ सुनो सुनो। फाइव इम्पोर्टेड कार्स एक मार्जिन के आगे रुकती है, उस पे वियो आता है। You're the one who can make it. ओह, ये तो मतलब ये कार का एड है, कार का है? कार का एड है? नहीं दो, इतना क्या सोचने का भाई, है कि नहीं बोल देने का। मैं बताती हूँ। हाँ देन उन गाड़ियों में से 10 लड़कियां बिकिनी में उतरती है। ओह अगेन भी वो आता है। You deserve all the glamour in the world. ओह, ये परफ्यूम का एड है, वो सुगंध आता है वैसा? नहीं सर नहीं। तो उसके बाद चॉपर से एक लड़का उतरता है, वेयरिंग एक्सपेंसिव टक्सीडो। फिर एक लड़की उसके पास आके बोलती है, वाओ व्हाट अ स्मूथ एंड नाइस शेव। ओ दाढ़ी करवाने का वो क्रीम है भाई, सेविंग क्रीम का एड है। नहीं सर, तो मिनरल वाटर का ऐड है। अरे रे रे रे, इन लोगों ने मुझे भुला दिया मेरा प्रोडक्ट क्या था भाई, तो पब्लिक को किधर से याद रहेगा? टीम वन, तुम सुनाओ भाई कुछ। जी सर। सर हमारे ऐड में ना कोई भी अभद्र, अश्लील या असामाजिक चीजें नहीं होंगी। तो सुनाओ, तो कुछ तो सुनाओ, ये अच्छी बात है, सुनाओ। अरे सर, हमारे स्लोगन में भावना का रस है, मतलब भावना लड़की नहीं है लेकिन रस है। तो आगे इनका, इनकी लाइन। तो सर स्लोगन होगा, हाँ, माँ की पहली पसंद। सरस, थोड़ा जल्दी सुनाओ भाई। माँ के प्यार से सींचा, माँ का विश्वास, माँ का चुना हुआ। अरे रे रे, इतनी सारी माँ, ये बताइए किसकी किसकी माँ है? मेरे को लगता है ये मौसम को पूछना पड़ेगा, क्योंकि साउथ की हर पिक्चर में हीरो की माँ वही है।
बाहुबली के माँ, बाहुबली के KGF की माँ, सबकी माँ है ये लाइन मेरी थी, शानूर की नहीं थी। अरे सर, माँ तो सबकी होती है ना। अरे नहीं पगली, सबकी माँ नहीं होती। यही इमोशन है सर, बिल्कुल यही इमोशन जब वो एड में लोगों की आंखों में देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। और तभी माँ के चेहरे से कैमरा जूम आउट होगा और देखेगी माँ की फोटो और वॉइस ओवर आएगा, अपनी माँ की सुरक्षा के लिए लीजिए मातृ बीमा, मात्र 200 रुपए महीने के साथ। बीमा आगरे की विषय वस्तु है, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। ए, पहले तुम सब निकलो इधर से, मेरी ऑफिस से निकलो। ए, मेरी दुकान बंद करवाओगे, फिर से शक्ल मत दिखाना, निकलो इधर से। ओके। ताला मार दो। थैंक यू सो मच आपके रिएक्शंस के लिए, आपके एनर्जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन लोगों के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू